क्या नाम है इसका? डेजी। हाय छोचू, जाले 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 जा। चढ़ाई खत्म हुई। ये स्टीप बहुत है एक्चुअली। ओ इसे देखियो कैसे रिलैक्स कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले वेदर बहुत अच्छा था, अगर एक घंटा पहले निकलते तो वेदर सही में बहुत अच्छा था, बट अब बहुत ज़्यादा धूप हो गई है। अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है सर्दियों का मौसम अभी भी आया है, बट हाँ रात की थोड़ी बहुत ठंडक हो गई है, बट घर में फिर भी गर्मी रहती है जो है, अपने को अभी भी एसी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आजा 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 डैडू पास, आ जाओ आ जाओ। अरे गिरा दिया, अरे गिरा दिया। आओ आओ डैडू पास आओ, चलो ऐसे फेंकते नहीं है टॉयज, चलो चलो शू पहनो। शू कहाँ आपके नए वाले शू कहाँ? नए वाले शू ये रहे, चलो। आओ आओ गेट अप, कम ऑन कम ऑन। कहाँ जा रहे हो? हाँ टाटा चल रहे, टाटा चल रहे, टाटा चल रहे। देखो उसको पता है कि वी हैव टू गो आउट, तो गेट के पास आ गई है। तूने शीट्स पहन लिए फिर से हैं? चलो आओ। अरे ऊपर 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 करके पहनते हैं माता। शुरू हो गया इसका कंट्रोल्स के साथ खेलना गाड़ी के। सो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग, एंड आज हम जा रहे हैं अमरनाथ टेम्पल। अब 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आप आराम से कर सकते हो। देखना पड़ेगा कि मंदिर आज खुला या नहीं खुला, हम तो ऐसे जा रहे हैं, एंड अंदर कैमरास अलाउड है या नहीं है मुझे वो भी देखना पड़ेगा। और बैठ जाओ माता, बैठने का क्या लेंगी आप? मोमो खाओगी? है मोमो का? अच्छा डैडू डैडू क्यों नहीं बोल रही आज? तो बोल रहे डैडू डैडू, पिछले ब्लॉग में तुमने डैडू डैडू इतना बोला था, आज तो बोल के दिखा दे। डैडू डैडू याद नहीं आ रहा ड्राइविंग करनी है? गलती से भी याद, गलत याद दिला रहा हूँ यार मैं उसको, ड्राइविंग करने आ जाएगी मेरे पास ही। कंटिन्यूअसली एक बार शुरू होती है ना तो बाबा बंद नहीं होती रे बाबा, फिर तो बोलती रहती है। थक गई पर इतनी बार डैडू डैडू बोला ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं हाँ। A few inches later. So guys, हमारी मैडम तो सो गई, इसको आ रही थी नींद और बहुत देर से आ रही थी, बट ये सो नहीं रही थी घर पे, बिकॉज इसको पता था कि पापा मम्मी बाहर जाने लेके, तो शी वॉज एक्साइटेड एज वेल एज शी वॉज वेरी स्लीपी। तो हमें पता था हम थोड़ा जाएंगे बाहर निकलेंगे, थोड़ा अपना लैपटॉप भी लेने जाना है, मैंने जानखेड़ा साइड भी ख़राब हो गया था और मैंने ठीक नहीं कराया है यहाँ से, क्योंकि बहुत कॉस्टली बता रहे हैं, कोई मदरबोर्ड में दिक्कत आई थी, मैंने कहा बाद में कराएंगे अभी नहीं कराना। तो हम सोचे चल इतने चांदखेड़ा जाएंगे, मंदिर तो शाम को जाएंगे, क्योंकि 6:30 बजे तक टाइम होते में सो जाएगी, एंड शी स्लेप्ट। और दूसरा चीज़ एक ये भी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो हमने फर्स्ट बर्थडे किया था उसका व्लॉग अभी तक मैं इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मुझे कुछ पुरानी वीडियोस का भी मेरे को डालना था कंटेंट इसके बर्थडे व्लॉग में, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया क्योंकि मेरा लैपटॉप ऑन ही नहीं हो रहा है, धोखा दे गया। बर्थडे व्लॉग में तो खैर अभी डालूंगा ही, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि बर्थडे व्लॉग कब तक आएगा, बट आएगा, बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द डालूंगा। 25 अगस्त को इसका फर्स्ट बर्थडे था एंड आई एम वेरी लेट इन अपलोडिंग दैट व्लॉग क्योंकि मेरा सीन ही अलग हो गया था यार, बहुत दुख हुआ मुझे, दुख दर्द और पीड़ा, ये तीन चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती ज़िंदगी, बट फिर भी खुश रहने का है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज़ें आती रहती है, ऐसी चैलेंजिंग चीज़ें आती रहती हैं, कभी हार मानने का नहीं है, करेंगे इसका भी जुगाड़ करेंगे कुछ। सीधा जाना है? हाँ ये दिखाओ, वैसे ही दिखा रहे हैं। पूछ लेते हैं भाई क्योंकि ये दिक्कत हो जाएगी, पूछाता हूँ मैं फिर। भाई गूगल मैप पे तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। अमरनाथ वाला टेंपल है ना यहाँ पे, कहाँ से रास्ता है? राम भारती चौकलेट के अंदर सीधा गेट है, सीधा से पहला जो आएगा अमरनाथ टेम्पल है ना, अमरनाथ शिव जी का जो भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग वाला है वो ही है ना, इस तरफ जाके है वो चौकलेट के अंदर।
चौकड़ी से अंदर है, ठीक। अच्छा आगे बोर्ड लगा है, ठीक है, ओके। तो भाई साहब ये था गलत रास्ता, हम जा रहे थे इस तरफ, ये कोई पतली सी रोड जा रही है, फिर जैसे ही यहाँ मुड़ा ना, गूगल मैप ने कोई और ही रास्ता दिखा दिया। भरोसा कम है रे गूगल बाबा, गूगल बाबा हमें गलत बताते हैं भैया। एज यूजुअल हमें गूगल ने बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया, हमेशा की तरह गूगल ने हमें पागल बना दिया। हम गलत रास्ते पे जा रहे थे, बहुत ही पतली सकरी सी गली थी, उसमें लेके जा रहा था हमें, अरे एकदम से ना डाइवर्ट हो गया मैप, पता नहीं कैसे। क्या अब हमें वापस आना है यहाँ से? कितनी दूर? मतलब आगे ही एक वो है, चार रास्ता है, वहाँ से लेफ्ट है, वहाँ पे क्या बोर्ड लगा है वहाँ पे। ले देखा, हमें गूगल आगे ले आया। बाबा की जय जय। एंड FYI, अमन ने अभी चार रास्ता बोला, तो अगर आप दिल्ली या यूपी नॉर्थ साइड से हो तो वहाँ पे चौराहा बोलते हैं, जो हम भी बोलते थे। हम स्वप्न सृष्टि का एंट्रेंस अब एक ही है नम्रता, ये मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, अभी ये कहीं रिसेंटली ना बना, उस टाइम पे नहीं था। चलो गाइस फाइनली सही रास्ते पे आए, और तो कुछ नहीं है। सो गाइस वी फाइनली रीच्ड, गूगल ने भाई बहुत पागल बनाया सच में, गूगल पे ना भरोसा उठ चुका है मेरा। ये सो रही है? ये तो सो रही है यार, इसको तो उठाने का भी मन नहीं है, इसकी नींद पूरी होगी तभी मन ना, मतलब पता इसको उठाना नहीं चाहिए। बट इतने टाइम करेंगे क्या? टिकट विकेट तो ले आओ। तो मैं तो टिकट विकेट लेके आता हूँ भाई। अमरनाथ का यात्रा यहीं से, और टिकट टिकट अंदर ही है। कितनी दूर है अंदर? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर, अच्छा। छोटा बच्चा 1 साल का, कोई दिक्कत तो नहीं अंदर ले सकता है? प्रैम जा सकता है, बच्चे का जो स्ट्रॉलर होता है लेके जा सकता है ना? थैंक यू। अंदर आधा किलोमीटर चलना पड़ेगा, आधा पौना किलोमीटर। चलिए अगर प्रैम में बैठेगी अभी इतना टाइम तक, इतना टाइम तक ये सोई है। तो गाइज ये तो उठ चुकी है हमारी बच्ची, हाँ पानी की बॉटल भी उसी में रख लेंगे, प्रैम में नीचे आ जाएगा। तो मैं प्रैम कैरी कर लेता हूँ, या आप मेरे को बैग, अरे बैग दे देना, मेरे को बैग दे देना। आपने कैमरा भी डाला ना, ये ना बेबी शेड्स पहन कर रखा। ओहो स्वैगर, धूप में मंदिर में भी स्वैगर, बट ना मतलब मंदिर में शेड्स उतार देना, ठीक है? चलो भैया आओ। सो गाइस गाड़ी तो लॉक करी है, चाबी ले ली। चाबी किसकी? वॉलेट आपके पास है? सब मेरे पास। चलो टिकट लिया है? किसका टिकट? अरे वो कहते रहो अंदर जाना पड़ेगा पहले, डेढ़ किलोमीटर, एक डेढ़ किलोमीटर। सो पीछे यहाँ पे लिखा था कि अगर कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बड़ी एज के लोग हैं, या जो लोग यहीं इतना अंदर चल सकते वो लोग यहाँ पे टैक्सी सर्विस है, जो फ्री सर्विस है, ऐसे ये वैन्स चलती है, तो आप यहाँ से वहाँ तक बाई कार भी जा सकते हो, ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है। एंड दैट्स रियली गुड कि बड़े लोग भी आ सकते हैं। आप जितनी चढ़ाना हम उतर रहे हैं ना, प्रैम आप चढ़ाओगे, उतना ना ऊपर भी आना है और इसको भी चढ़वाना है, ये तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये और ढलाव भी ज्यादा है एक्चुअली यहाँ पे। ये तो सीन हो गया बाबा, रे बाबा सीन हो गया रे बाबा, ऊपर इसको मैं गोदी ले लेता हूँ। आओ भाई गोदी आओ, तुम तो इतना ऊपर चढ़ना है, कौन जाएगा? प्रैम डे, अच्छा ये लो सॉरी मेरे को दे दे प्रैम, तू फट। मैं आगे से उठाती हूँ ना? नहीं मत उठा, उठाती हूँ, बस एक बार उठाना पड़ेगा क्योंकि एक ऊंचा है। बस छोड़ दे, बस छोड़ दे, छोड़ छोड़ दे, मतलब छोड़ दे, छोड़ दे, मैं ले जाऊँगा। नहीं अटकेगी माँ, उठाइयो यार, एक काम करना बता, ये बहुत मुश्किल है। सुन 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 सुन, एक काम करो, जरूर जरूर जरूर, होल्ड 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 होल्ड, इसको गोदी ले, सो ले ले गोदी ले ले। ये तो सीन हो गया यार, भगवान की थोड़ी परीक्षा तो लेंगे ही। ओए नम्रता, डायपर वैग लाने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली। जय बोले बाबा की जय। भाई हवा टाइट, हालत टाइट, पहिए टेढ़े हो गए, ये क्या हो गया, पहिए टेढ़े हो गए इसके, वो धूप तो ऐसे भी लगेगी, वो ढक भी लोगे तो भी लगेगी। सो गाइस फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए भाई, इतने में हालत टाइट हो गई। सबसे चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कैमराज अलाउड है, और अब मैं दर्शन कराऊंगा आपको ज्योतिर्लिंग के, 12 ज्योतिर्लिंग के। प्राइम तो चली जाएगी अंदर, आ जाओ यहाँ से ले लो,
हाँ तो गुफा तो वहाँ से है ना, तो प्रैम तो जा ही सकती है। क्या हो गई? पूछ के उनसे पूछ के आता हूँ भैया। प्रैम अंदर जा सकता है बच्चे का? प्रैम वो वाला प्रैम। गाइस प्रैम तो अंदर नहीं जाएगा, प्रैम हम यहीं पे रखवा देते हैं पंडित जी के पास और इसको यहाँ पार्क करके बस यही है पंडित जी, है यहीं रख जाता हूँ। जय करो, जय, वेरी गुड। भाई ये आ गई अपनी मेन गुफा। गणपति जी बापा, हर हर महादेव। गाइस मेरे को आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे अभी गोप्रो में ऑडियो कैसा आ रहा होगा। आओ आओ दिशा आओ, वेरी गुड। हाँ डर को रहा है, डर को रहा है तू। हर हर महादेव। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश, मेरे पापा यहाँ के दर्शन कर। मेरे को मोबाइल दे दो। ओहो वाह, ये सही है। मैं पतले से आता हूँ, अरे ना तो मैं आ ही नहीं पाऊँ फिट, मैं वहाँ फिट ही नहीं आ पाया। भीम शंकर महाराष्ट्र। हर हर महादेव। हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश। गाइस दर्शन अगर अच्छे हुए हों तो लाइक ज़रूर बनता है यार इस वीडियो। यार दिल को सच्चा पे सुकून मिलता है जब ऐसी जगह पे आते हो ना। पता है मेरा मन बहुत है कि यार मैं केदारनाथ जाऊं और वहां पे एक बार दर्शन करूं, बट पता नहीं कभी लगा मौका तो ठीक है, बट मन बहुत है। बट ऐसी जगह आकर ना सच में दिल को बहुत सुकून मिलता है यार। चढ़ाई खत्म हुई। ये स्टीप बहुत है एक्चुअली। हाँ, कैसे रिलैक्स कर रही है।